जनपद बहराइच के केसरगंज में पशुपालन विभाग की ओर से वृहद गौ संरक्षण केंद्र कुंडासर में आयोजित गोपाष्टमी पर गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सर्वप्रथम गाय के मस्तक पर तिलक लगाकर आरती उतारी और पुष्पमाला पहनाया तथा उसे चारा खिलाया और कंडा बनाने वाली मशीन की आरती उतारकर मशीन का शुभारंभ किया, जिससे गौशाला में अधिक से अधिक कंडे बनाए जा सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि भारतवर्ष के प्राय सभी भागों में गोपाष्टमी का अवसर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं में यह बड़े ही महत्व का अवसर है। इस दिन गौशालाओं के सभी संस्थाओं में हम सभी लोगों को कुछ दान पुण्य करना चाहिए और गौ सेवा में समय देना चाहिए। जिनके पास निजी गाय बछुआ है वो उनको आवारा न छोड़े, उनके पुण्य काम के लिए उनका संरक्षण स्वयं करें, जिससे कृषक की फसल भी नष्ट न हो। उस गाय से दूध से उस गोबर से कंडा खाद आदि तैयार करें, जिससे फसल भी अच्छी हो और कंडा का बाजार में उपयोग है, इनकी बड़ी मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि गाय की रक्षा करना हम सभी का धर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज सिंह, बहराइच। गाय है, बहुत सारे लोग दूध दे देते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद बोझ मानने लगे हैं, जबकि गाय की आवश्यकता इस देश को हमेशा हमेशा रही है। गाय के दूध का ही नहीं, उसके मल मूत्र का भी उपयोग है। ये गोबर से, गोबर केवल निष्प्रयोज्य नहीं है, गोबर केवल खाद के काम नहीं आ सकता। तो इससे गोबर का डंडा, वही कंडा टाइप का बनाएंगे, लकड़ी बनाएंगे ना बिल्वे, और सूख जाएगी। मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है, आज आवश्यकता है ये लकड़ी जलाने के लिए, ये अपने आप जलाने के काम आएगी। क्षेत्र में काफ़ी जानवर पशु छुट्टा घूम रहे थे, आज की तारीख में इनसे काफ़ी निजात लोगों को मिला है, और इस संबंध में क्या कहेंगे आप लोगों से, किसानों से, पशुपालकों से कि वो क्या करें? देखिए, सरकार को जितना है, सरकार प्रयास कर रही है, पशुपालन पर भी सरकार एक पशु पर 30 रुपया दे रही है, लेकिन सब काम सरकार ही नहीं कर सकती। पशु हमारे हैं, खेत हमारा है, जो खेतों में चरते हैं, जो रोता है, उसको किसी न किसी, आप ही यानी गाँव के लोगों के ही पशु चर रहे हैं, सरकार के पशु नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए हमको कम से कम ये ध्यान देना चाहिए, अपने पशु को बांधेंगे, कल आज आपका पशु दूसरे के खेत को चरेगा तो आपको लगेगा मेरे पशु ने चरा है, लेकिन कल उसका पशु जो आपके खेत को चरेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए आप सब अपने पशु और अपने खेत की चिंता करें, ये मेरी प्रार्थना है।